चलो मैं आपको जो है वो आज सबसे पहले जो है वो वुजू का तरीका ही बता देती हूँ, वो जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। देखें, नमाज जो है ना वो जन्नत की कुंजी है, ठीक है। और नमाज की कुंजी है ना वजू है। नमाज किसकी कुंजी है? जन्नत की कुंजी है। और नमाज की कुंजी है ना वजू है। अगर हमारा वजू दुरुस्त नहीं होगा और हम पाक ना नहीं होंगे तो हम ना कुरान पढ़ सकते हैं ना ही कोई दूसरी इबादत कर सकते हैं। नमाज के लिए भी सबसे अहम है कि हम जिस जगह नमाज पढ़ते हैं वो भी पाक हो, हमारा लिबास भी पाक हो और हमारा वजू भी दुरुस्त तरीके से किया हुआ हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो है वजू करने में सबसे पहले हम जो है वो नियत करेंगे कि मैं नियत करती हूँ इस वजू से पाक साफ होने की और सवाब की। तो पहले हम नियत कर लेंगे, फिर हम जो है दुआ पढ़ेंगे। अतवद दुआ उ बिस्मिल्लाही बिस्मिल्लाही वल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाही बिस्मिल्लाही वल, दो बार बिस्मिल्लाह पढ़ना है, बिस्मिल्लाही बिस्मिल्लाही वल्हम्दुलिल्लाह। ये चार अल्फाज की दुआ है, हाँ ये पढ़नी है हमने वजू की दुआ। और फिर इसके बाद वजू का बयान जो है वो पढ़ना है, यानी वो भी वजू की दुआ है जो इब्तिदा में पढ़ी जाएगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम वअय्दियाकुम इलल मरआफ़िक़ वामसहू बिरुउसिकुम वअरजुलकुम इलल कअबैन। ये नमाज की किताब में आपके पास बिल्कुल इब्तिदा में जब छह कलमे खत्म होते हैं तो इसके बाद ये दुआ लिखी हुई है जिस पे लिखा हुआ है वजू का बयान। तो ये वजू से पहले पढ़ी जाती है ये दुआ। अगर ये दुआ आपको याद नहीं बड़ी है और याद करने में कुछ वक्त लगता है तो आप अतवद दुआ ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल आसान और छोटी सी है, वो भी पढ़ सकते हैं। जब आप ये दुआ पढ़ लो तो इसके बाद तौस तस्मिया पढ़ने के बाद सबसे पहले पोंछों तक हाथ धोने हैं। पोंछों तक कहते हैं जब हम जहाँ जिस जगह खड़ी पहनते हैं ना इतने हिस्से को धोने को पोंछों तक कहते हैं। तो यहाँ तक जो है वो हमने अच्छी तरीके से हाथ धोने हैं। सीधे हाथ से हमने तीन बार कुल्ली करनी है। पहली दफा कुल्ली करेंगे तो सीधे हाथ की शहादत की उंगली से दांतों को साफ करेंगे। दूसरी बार कुल्ली करेंगे तो सारा पानी मुंह में भर के घुमाएंगे प्रेशर के साथ और फिर पानी को फेंक देंगे ताकि दांतों में कुछ अटका हुआ हो तो वो बाहर को आ जाए। तीसरी बार जब हम कुल्ली करेंगे तो हम गरारा करेंगे अगर रोजा ना हो तो, और अगर रोजा है तो हमने कुछ खाया ही नहीं होगा कि हमें गरारे की नीड हो, तो इसलिए जो है वो हम अगर रोजा नहीं तो हम गरारा करेंगे। ये तीन दफा अच्छे से हमने कुल्ली कर ली। अब तीन बार सीधे हाथ से नाक में पानी चढ़ाएंगे और उल्टे हाथ की छोटी उंगली से नाक को साफ करेंगे। दोनों हाथों को मिलाकर और थोड़ा सा जो है वो कशकोल नुमा बनाना है हाथ को, सीधे सीधे हाथ नहीं रखने, पानी ठहरने के लिए थोड़ा सा कशकोल नुमा हमारे हाथ को बनाना है ताकि इसमें पानी ठहरे। तो तीन बार जो है वो हम उसको दोनों हाथों को मिलाकर जो पानी लेंगे उसको चेहरा धोएंगे। बाल जमने की जगह से यानी जहाँ से बाल उगना शुरू होते हैं सर के वहां से लेके थोड़ी तक जो हमारे नीचे जो दाढ़ी कहलाती है ना इसका नीचे वाला हिस्सा तक तर हो जाए, थोड़ी तक बाल जमने की जगह से थोड़ी तक एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, यानी जो कान का जो नरम हिस्सा होता है वहां से लेके और दूसरे कान की लो तक पूरे चेहरे में से एक बाल बराबर हिस्सा खुश्क नहीं रहना चाहिए वरना वजू नहीं होगा। तो तीन बार चेहरे को अच्छी तरीके से हम धोएंगे। फिर इसके बाद सीधा हाथ जो है कोहनी से ऊपर तक तीन बार धोना है और उल्टा हाथ कोहनी से ऊपर तक तीन बार धोना है। फिर इसके बाद जो है वो हम सर का मसा करेंगे। सर का मसा भी हमने तीन मर्तबा करना है। सर का मसा सॉरी अलहम तीन दफा जो है वो हम सीधा हाथ और उल्टा हाथ धोएंगे, फिर एक मर्तबा सर का मसा करेंगे। सर का मसा इस तरह करेंगे कि तीन उंगलियां जो हैं वो माथे पे रखनी है, शहादत की उंगली अंगूठा खड़ा रहेगा और हम उसको जो है वो सर के पीछे तक लेकर जाएंगे और फिर वापस दोहराते हुए आगे तक लाएंगे। अब जो अंगूठा है वो कान के पीछे के हिस्से को साफ करेगा और जो उंगलियां हैं शहादत की उंगली और उल्टे हाथ की जो पहली उंगली है इन दोनों उंगलियों से जो है कान का अंदरूनी हिस्सा साफ होगा और फिर इसके बाद हाथ की पुश्त जो है उससे जो है गर्दन का पिछला हिस्सा साफ होगा। और इस तरह से जो है हम सर का मसा एक बार करेंगे, कान का मसा और गर्दन का मसा। फिर इसके बाद हम सीधा पैर जो है वो तीन मर्तबा धोएंगे। सीधे पैर को हम तीन बार धोएंगे और उल्टे हाथ से धोना है, सीधे हाथ से नहीं धोना, उल्टे हाथ से हम सीधे पैर को धोएंगे फिर उल्टे पैर को भी तीन मर्तबा धोएंगे और जो है टखनों तक पैरों को धोना है, ठीक है। टखनों तक जो पैर के यहाँ पर जो हड्डी बड़ी हुई होती है ना थोड़ी सी वहां तक के हिस्से को, ठीक है।
तो आपने जो है वो पूरे दोनों पैरों को अच्छी तरह से घिस के और उल्टे हाथ से साफ करते हुए जो है पाँव को रगड़ते हुए धोना है, ताकि उस पर कोई भी किस्म की नजस लगी हुई हो तो वो साफ हो जाए। पूरा मुकम्मल वजू होने के बाद हमने दोयम कलमा पढ़ना है और वजू के बाद की दुआ पढ़नी है। दोयम कलमा शहादत, शहादत माने गवाही, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वजू के बाद की दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन अत्तवाबीना व जअलनी मिन अलमुतत्वाहिरीना व जअलनी मिन इबादिका सालिहीन। अब मैंने बेटा जो वजू का तरीका है पहले भी आपको कई मरतबा समझाया है, इंशाल्लाह आपको आता होगा, लेकिन मैंने आज जल्दी जल्दी जो है वो आपको एक मरतबा दोहरा दिया। आज का जो लेसन है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे पास टाइम चूंकि कम होता है तो जो है वो हम दीगर दूसरी चीजों में जो है ज्यादा वक्त नहीं लगा सकते। अच्छा, जो है सबसे पहले हम कलमों को पढ़ते हैं। तीनों कलमे आप लोग जो है वो दोहरा लें मेरे साथ, जितने स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं वो तीनों कलमों को मेरे साथ दोहराएंगे। अव्वल कलमा तैयब, तैयब माने पा, साथ साथ पढ़े ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के बंदे और रसूल दोयम कलमे में आता है। अब हम दोयम कलमा पढ़ेंगे। दोयम कलमा शहादत, शहादत माने गवाही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जुमा, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हजरत अल्लाह है उसका कोई शरीक नहीं, और भी गवाही देती हूँ कि हजरत मोहम्मद, बेशक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। तीसरा कलमा पढ़ेंगे। तीसरा कलमा तमजिद, तमजिद माने मुजराही, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अलीजिल अज़ीम। तर्जुमा है, अल्लाह पाक है और तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह बहुत बड़ा है, गुनाहों से बचने की ताकत और निकाम करने की तौफीक नहीं मगर अल्लाह की तरफ से, जो बहुत बुलंद अजमत वाला है। अब सूरह इखलास और सूरह कौसर पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों, ये भी साथ पढ़ें। अच्छा, सबसे पहले मेरी बात सुनिए। सूरह इखलास पढ़ते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि आपने कुल को पुर पढ़ना है, अल्लाह को पुर पढ़ना है, फिर अल्लाह को पुर पढ़ना है, फिर स्वमद को पुर पढ़ना है, ठीक है। तो इन तमाम कलमात को पुर पढ़ना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. आप सूरह कौसर पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. देखिए यहाँ पर इन्ना, इन्ना के अंदर यहाँ पर आपके पास जो मत लगा हुआ है ना, इस वजह से हमने इस इन्ना को स्क्रीन नहीं आ रही है, समय आ रही है, आ रही है। देखिए पहली दफा जो इन्ना लिखा हुआ है उसमें
हरूफ मद्दा के बाद दूसरे कलमे में हमजा है तो यहाँ मद्दे मुनफसिल हो रहा है, ये मैंने आपको सिखाया है ना मुत्तसिल मुनफसिल। यहाँ पर देखिए जो मद लगा हुआ है ना, सिर्फ इस बात को कैश करें कि यहाँ जो ये मद लगा हुआ है, जहाँ ये लगा हुआ हो वहाँ मिकदार देते हैं। हमने चार अलिफ की मिकदार दे दी, नून मुशद्दिद पे गुन्ना करना है और फिर खींच कर पढ़ना है। और दूसरे इन्ना के अंदर देखिए हरकात है, हरकात को हम बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं, तो हमने यहाँ पढ़ना है इन्ना, इन पे गुन्ना तो करना है लेकिन ना ना को नहीं खींचना, इन्ना शानी आका, और यहाँ पढ़ना है इन्ना आफ़ीना। अच्छा आइंसा के नाम में क्या करोगे, नरमी, जैसे ताउस में हम पढ़ते हैं आओ, यहाँ पढ़ना है आ, नरमी करनी कल कौसर पढ़ना है, कौसर नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है कौसर, हाँ सर पढ़ना है, सा पढ़ना है, सा कौसर नहीं पढ़ना, सीटी के बाद ही निकलेगी, ठीक है। फसल लीली में भी फसल ली स्वाद पढ़ना है, सीन नहीं पढ़ना, फसल लीली नहीं पढ़ना, और लीली पढ़ना है फसल लीली रब्बी का। अक्सर बच्चे जो है एक लाम पढ़ते एक लाम छोड़ देते, सही है पूरा पढ़ना है फसल लीली रब्बी का वन हर। फिर इसके बाद नून शरीफ का गुना जो है वो करते हुए हमने हरकात पढ़ना है इन नशानी अका वल अबतर, ठीक है। हर कलमात को एक वक्त के बाद दूसरे वक्त तक पढ़ने के लिए एक सांस में पढ़ना होगा, हर आयत को सांस नहीं तोड़नी है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे पास जो है तीन आयतें हैं, एक दो और तीन, और हर आयत को एक सांस में पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल आस्र, पढ़िए दोबारा, इसको पढ़िए दोबारा, वल आस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। अब देखें इन्नल में तो पूरा गुन्ना हमने किया और इंसाना में आधा गुन्ना, आधा गुन्ना हमने क्यों किया, निफ्स गुन्ना हम करते हैं इकफा के कायदे में। नून साकिन तनवीन के मैंने चार कायदे आपको सिखाए थे ना, इजहार इदगाम इकलाब इकफा। अब नून साकिन के बाद सीन हुरूफ इकफा है, जो 15 हुरूफ थे ना उनमें से सीन हुरूफ इकफा है, हम यहाँ पर हम इकफा करेंगे तो निफ्स गुन्ना करेंगे। इन्ना पर पूरा इंसाना पे निफ्स गुन्ना लफी खुस्र। इसके बाद हम पढ़ेंगे जीना नहीं है भाई, राल है जा नहीं है, इल्लल्लज़ीना आमनु आमनु। इस अल्फाज को दुरुस्त पढ़िएगा, गलती नहीं करना, ठीक है। वामिलुस्सालिहाति एक बार और पढ़ो, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ। सौ क्यों पढ़ रहे हो भाई, स्वौ स्वौ وَتَوَاصَوْا 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 بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ बेटा। इसको स्वाद पढ़े ना, वतवा स्वौ उर्फ लीन है, नरमी करनी है, स्वौ स्वई दौ द्वई हौ हई पे लीन पढ़े थे ना आपने, वाव साकिना या साकिना से पहले जबर हो तो उर्फ लीन होते हैं, उसको नरमी से पढ़ते हैं, ठीक है। और मुशद्दिद है और उर्फ कलकला मुशद्दिद हो तो उनमें क्या करना चाहिए, हुरूफ कलकला मुशद्दिद हो तो जमाओं के साथ पढ़ना चाहिए, गुड। एक बार और पढ़ते हैं हर आयत को उसके अपने एक सांस के साथ, ठीक है। इसमें आयत में जरा थोड़ी सी लंबी है तो सांस को जरा पहले से लेकर और ठहरा कर पढ़ना है, ठीक है, तोड़ना नहीं है बीच में सांस को। शुरू करते हैं वल आस्र सुबहानअल्लाह। अब हम जो है कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ते हैं, ठीक है, सब मिलकर पढ़िएगा मेरे साथ। और देखिए मैं पहले ही आपको एक बात बता दूं, देखिए ये काऊ नैनी है, क्या है काऊ नैनी, क्या है
नहीं। हाँ मुझे बताया करो ना भाई, और अपने जो माइक ना ऑन रखें, क्योंकि मैं नाजरा करवा रही हूँ, मैंने आपने आपको पढ़ाना है, आपको सुनना है। हम लिखने वाला तो कोई काम करते ही नहीं है, ठीक है, इसलिए अगर आप पढ़ोगे तो मुझे पता चलेगा कौन कौन मेरे साथ जो है पढ़ रहा है, और मुझे यह नजर भी आ रहा है कि कौन मेरे साथ पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है आप लोग जो है वो मेरे साथ मिलकर पढ़ें, क्योंकि अभी क्लास लेते हुए मैं आपको बार बार एक ही चीज को कई दफा पढ़ाऊंगी समझाऊंगी, फिर अगर बाद में तो मुझे मालूम है आपने जो है वो कायदे को हाथ ही नहीं लगाना है, खुद से बैठकर पढ़ना ही नहीं है। कुछ बच्चे होंगे बोलते होंगे और बाद में याद भी करते होंगे, लेकिन अगर याद नहीं करेंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। आपने रोजाना जो है कायदे को सिर्फ 10 मिनट का टाइम देना है, कोई भी नमाज के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद या इशा के बाद 10 मिनट जो है वो अपनी तमाम चीजों को दोहरा लिया करें, ठीक है, और जो चीजें मैं पढ़ाती हूँ मेरे साथ मिलकर पढ़ा करें। सारे बच्चे अपना जो है वो माइक ऑन कर रखें और मेरे साथ मिलकर पढ़ें। चले हम पढ़ते हैं कसीदा बुरदा शरीफ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ी कुल्लिही। मोहम्मदुन सैयदुल कौमैन फ़ाक़लैन। मोहम्मदुन सैयदुल कौमैन फ़ाक़लैन। वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन عجمي. محمد سيد القومين فاقلين. محمد سيد القومين فاقلين. والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. आज हम एक ही अशार पढ़ते हैं और मुझे आपको जो है पूरा पढ़ाएं। सादिया होगी है ना, पूरा पढ़ाएं। आज पूरा नहीं पढ़ते ना बेटा, सारी चीजें पढ़नी है, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली हमने, अभी काफी चीजें हमने भी पढ़ी ना, अभी हमें हदीसे करीमा भी पढ़नी है और दुरूदे गौसिया जो मैंने सिखाया था वो भी पढ़ना है, ठीक है। दुरूदे गौसिया तर्ज के साथ हम पढ़ते हैं, जो कि मैंने आपको याद करवाया था लास्ट टाइम, दो दफा क्लास हुई है हमारी उसमें, ठीक है। अभी हम कसीदा अपने सॉरी कसीदा बुरदा शरीफ क्या सॉरी दुरूदे गौसिया को हम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। देखिए अल्लाहुम्मा है, सल्ली है सल्ले नहीं है, अला सय्यिदिना है सय्यदना नहीं है, ठीक है। आप अल्फाजों को देखें गौर से और उसको देख कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन। معدين الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. معدين الجود والكرم وآله وبارك وسلم. अब हम सबक याद करने की दुआ को पढ़ते हैं, साथ में पढ़िएगा, सारी दुआएं सामने मौजूद है, देखते हुए पढ़नी है, तमाम दुआएं मेरे साथ पढ़ें। सबक याद करने की दुआ है,
اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. मुझे सिर्फ सादिया की आवाज क्यों आ रही है पढ़ने की बेटा, बाकी लोग अपना माइक ऑन रखें, मेरे साथ पढ़ें, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, ठीक है ना, ये टाइम जाया हो जाता है इस तरह से बातें करने से. आप लोग मेरे साथ मिलकर पढ़ें, ठीक है. घर से निकलते वक्त की दुआ पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि لا حول ولا قوة إلا بالله घर में दाखिल होते वक्त की दुआ है بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا खाना खाने से पहले की दुआ है बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह. अच्छा बरकतिल्लाह नहीं पढ़ना है, रा पर जबर है, बरकतिल्लाह पढ़ना है, ठीक है. खाना खाने के बाद की दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्अमना अत्अमना नहीं कलकला करो अत्अमना أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. سونے سے پہلے کی دعا ہے اللهم باسمك أموت وأحيا नींद से बेदार होते वक्त की दुआ है. जब नींद से हम जागते हैं ना उसको बेदार होना कहते हैं, और उमूमन बच्चे इसको कहते हैं बेजार होना. तो नींद से तो कोई बेजार नहीं होता, नींद तो सबको बड़ी अच्छी लगती है ना. नींद से बेदार होते वक्त की, यानी नींद से जब उठते हैं जागते हैं जब की दुआ है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. अच्छा بيت الخلاء में داخل होते वक्त की दुआ है اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بيت الخلاء سے باہر آتے وقت کی دعا ہے الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني. غصے کے وقت کی دعا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور مصیبت کے وقت کی دعا ہے انا للہ الیہ راجعون إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سُرْوَا لَكَ تَحْكِي دُعَاهِ إِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللهم متعني بالسمع والبصر और ये मेरी फेवरेट दुआ आईना देखते वक्त की दुआ. इसका मतलब इतना प्यारा है अल्लाह तूने मेरी सूरत को अच्छा बनाया, मेरी सीरत को भी अच्छा बना दे. तो अल्लाह से हम पहली आयत करीमा में खुदा का शुक्र अदा करते हैं और दूसरी आयत में जो हम दुआ कर रहे होते हैं, तो देखिए कितनी प्यारी दुआ है, अल्लाह तूने मेरी सूरत को अच्छा बनाया, मेरी सीरत को भी अच्छा बना दे. अल्लाहुम्मा हसनता
फल की मलकी फहस्यों फुलुकी। अच्छा, अब सवारी पे सवार होते वक्त की दुआ पढ़े। सुबहान अल्लज़ी सख़्ख़रा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून लमुनक़लिबून। अच्छा, थ्री क्लास आपके अहादीस करीमा आपकी 20 हो चुकी हैं। ठीक है, हम उसको जो है वो रिवाइज करते हैं, 10 हदीसों को, फिर 10 हदीसों को हम बाद में रिवाइज करेंगे फिर किसी दिन। पहली हदीस है हदीस नंबर 1, इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक आमाल का दारो मदार नियतों पर है। हदीस नंबर 2, अस्सलातु नूरुल मुमिन, नमाज मुमिन के लिए नूर है। हदीस नंबर 3, अस्सौमुल जन्ना, रोजा डालिए। हदीस नंबर 4, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। हदीस नंबर 5, तहादू तहाबू, वफा दिया करो मोहब्बत बढ़ेगी। हदीस नंबर 6, अस्सलातु मिराजुल मुमिन, नमाज मोमिन के लिए मेराज है। आपके पास ये नमाज की कौन सी हदीस आई? दूसरी, पहली हमने पढ़ी अस्सलातु नूरुल मोमिन, नमाज मोमिन के लिए नूर है। अब हमने पढ़ी अस्सलातु मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन के लिए मेराज है। ठीक है, इसके बाद अभी एक और भी हदीस आएगी नमाज की आपके पास। चलें अब पढ़ते हैं हदीस नंबर 7, अकरमिल खुब्ज, रोटी का अदब करो। हदीस नंबर 8, अद्दीनुन नसीहतु, दीन खैर ख्वाही है। हदीस नंबर 9, ला तग़ज़ब, गुस्सा ना करो। हदीस नंबर 10, अत्तहूर शतरुल ईमान, पाकिजगी ईमान का हिस्सा है। अच्छा, हमने 10 हदीसें ही पढ़नी थी, 11वीं हदीस नमाज की है, सलातु नूरुन, नमाज नूर है। तो देखिए, नमाज जो है वो रब ताला का सबसे प्यारा तोहफा है, जो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की शब हमको अता फरमाया। और इस तोहफे का सवाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ इस तरह से रखा है कि जो बहुत खुशू-खुजू के साथ, बहुत एहतमाम के साथ नमाज को पढ़ता है, उसे 50 नमाजों का सवाब मिलता है। जैसे अल्लाह ताला ने पहले 50 नमाजें भेजी थी और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत इतनी नमाजों को ना पढ़ सकेगी, तो फिर तकफीफ करवा कर 5 रह गई। तो जो बाजमात नमाज पढ़ते हैं ना बॉयज, तो उनको 50 नमाजों का सवाब मिलता है। और जो बच्चियां घर में बहुत खुशू-खुजू के साथ अव्वल वक्त में ही नमाज पढ़ती हैं, तो उन्हें भी जो है 50 नमाजों का सवाब मिलता है। तो अल्लाह ताला ने सवाब को कम नहीं फरमाया, सिर्फ नमाजों को कम फरमाया। इसलिए जो है वो आप लोग बहुत एहतमाम के साथ तैयार होकर, जैसे हम शादी में जाते हैं, अपने आप को नहा धो के अच्छे से कपड़े पहनकर, बाल बनाकर, पाउडर काजल लगाकर जाते हैं, ऐसे ही अल्लाह ताला के सामने जब आप जाएं तो इसी तरह तैयार हो के जाएं, बहुत साफ सुथरा होकर जाएं। ठीक है, और वैसे भी आज जुम्मा है, तो इंशाल्लाह ताला दुरूद पाक की एक तस्बीह लाजमी पढ़िएगा आप लोग। और नमाज के मुतालिक एक मैं आपको प्यारी सी हदीस भी सुनाऊंगी के हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इन पांच फर्ज नमाजों की पाबंदी से पढ़ता है वो अल्लाह ताला की इबादत में अबद से गाफिल रहने वालों में शामिल नहीं।
और इसके अलावा आपको मैं एक सालेहीन बंदों की नमाज के मुतालिक एक छोटी सी बात बताऊंगी कि हजरत सैयदिना इमाम जैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला ना जब वजू करते तो रंग जर्द हो जाता। लोगों ने अर्ज की, हुजूर ये क्या आप जब भी नमाज के लिए वजू बनाते तो आपका चेहरा जो है, आपकी रंगत जो है वो मतलब कि जर्दनुमा हो जाती है? तो आपने फरमाया, क्या तुम नहीं जानते कि मैं किसके सामने खड़ा होने जा रहा हूँ? तो यानी जब अल्लाह ताला के सामने वो अल्लाह के नेक बंदे जाते थे तो उनको उनके चेहरे पर जो है वो एक खौफ की सी कैफियत तारी हो जाती थी। तो नमाज जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो है सबसे प्यारा तोहफा है। उसको जब आप नमाज को अदा करें तो नमाज को अदा करने से पहले जो है वो अपने दिल में इस चीज को तसव्वुर करें कि जो है वो हम अल्लाह को देख रहे हैं और अल्लाह हमें देख रहा है, और अल्लाह ताला नमाज में हमारे इतने करीब आता है, इतने करीब आ जाता है कि जब हम सजदे की हालत में होते हैं तो जो हमारे हथेली का फासला है ना, इतना फासला भी नहीं रहता, तो अल्लाह ताला के हम इतना करीब होते हैं। तो जो है वो हम सजदे की हालत में जब होते हैं तो अल्लाह ताला से हमारी समझो मुलाकात होती है, बहुत नजदीक से मुलाकात होती है। तो जब भी नमाज पढ़े तो हमें ऐसी कैफियत रखनी चाहिए नमाज की हालत में कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं। तो फिर जब अगर कोई हमें देख रहा हो तो हम बहुत अपने आप को ठीक ठाक रखते हैं ना, तो ऐसे नमाज नहीं पढ़नी है कि यहाँ वहाँ देखना है, सर खुजाना है, झुम झुम के पढ़नी है, नहीं ऐसे नमाज नहीं पढ़नी। ये सारी हालत गैर नमाज की तरीके से अगर नमाज पढ़ोगे तो नमाज आपकी जाया हो जाएगी। इसलिए बहुत अच्छे तरीके से खुशो खुशो के साथ साफ सुथरी हालत में नमाज पढ़नी है। हाँ, और नमाज के बाद जो है दुआ जरूर करनी है। फरिश्तों का हुजूम बैठा होगा आपके करीब उन दुआओं पे आमीन कहने के लिए, और मुझे भी दुआ में याद रखना, ठीक है? और हमारे स्कूल के लिए लाजमी दुआ करना कि हम लोग जल्दी एक दूसरे से मिलें, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।